भारत की बढ़ती उन्नति का प्रतीक मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर या जिसे बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाता है, उसने हाल ही में एक बेहद ही महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई। इस प्रोजेक्ट के रूट में लगने वाले कुल 7 में से पहले माउंटेन टनल का ब्रेक थ्रू हासिल किया गया। ये ऐतिहासिक माइलस्टोन 5 अक्टूबर 2023 को दर्ज किया गया। तो आइए जानते हैं इस पहले टनल के बारे में कुछ दिलचस्प बातें। भारत के फ्यूचर का एक बहुत ही प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर या जिसे हम बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के नाम से जानते हैं, वहां पे आज हम उनके इस ऐसे साइट पे खड़े हैं। जरोड़ी जो गांव है गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे, वहां पे है एक माउंटेन टनल। ये टनल गुजरात और महाराष्ट्र बॉर्डर पर बसे जारोली विलेज में स्थित है। गुजरात जैसे फ्लैट टेरेन वाले राज्य में ना कोई रोड और ना ही कोई रेल टनल मौजूद है, जिसके कारण ये टनल पूरे राज्य में बसा हुआ पहला और एकमेव टनल है। इस टनल को पार करते ही हाई स्पीड बुलेट ट्रेन महाराष्ट्र राज्य में दाखिल हो जाएगी। दोनों राज्यों की बाउंड्री पर बसे होने के साथ ही ये टनल कंस्ट्रक्शन पैकेज C4 की बाउंड्री पर भी बसा हुआ है। टनल के दक्षिण से ही पैकेज C3 की शुरुआत होती है। पैकेज C3 महाराष्ट्र में बनने वाले वायाडक्ट का पैकेज है, जिसमें ऐसे और 6 माउंटेन टनल शामिल होंगे। कई ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इस टनल के बारे में जो आपको सुनकर काफी हैरानी होगी। पहली बात ये कि जब अपनी मैक्सिमम स्पीड यानी 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन इस टनल में से गुजरेगी, तो हालांकि ये टनल 288 मीटर की है जिसमें से चलने को आपको काफी समय लगता है, लेकिन केवल 4 सेकंड में ट्रेन आपको इस टनल के थ्रू ले जाएगी। इस टनल के ब्रेक थ्रू का काम केवल 10 महीनों में हासिल किया गया। हालांकि ब्रेक थ्रू हासिल करना अंतिम पड़ाव नहीं है, लेकिन इस अचीवमेंट से आगे की कई सारे कामों को परिचालन मिल जाता है। 320 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पर ट्रेन चलाने लायक ये सिंगल ट्यूब डबल लाइन टनल पूरा तैयार हो जाने पर टोटल 350 मीटर का होगा, जिसमें दोनों तरफ 31 मीटर का एंट्रेंस पार्ट, 40 मीटर का पोर्टल एरिया और 208 मीटर का माउंटेनस एरिया रहेगा। ये जो टनल जब बनी उसके बाद में यहाँ पर शॉर्टक्रीट या बेसिकली एक लिक्विड तरीके का कंक्रीट जिसको स्प्रे किया जाता है टनल वॉल्स पर, उसका इस्तेमाल किया गया और उसको स्ट्रेंथन करने के लिए उसमें स्टील के फाइबर्स यूज हुए हैं जो कि ऑलमोस्ट एकदम पतले बाल की तरह है और ये इसको काफी अच्छा स्ट्रेंथ देते हैं। इसके अलावा जिस स्पीड से ये टनल बनी है वो काफी ज्यादा अमेजिंग है। 24 घंटे सातों दिन यहाँ पर काम चलता है, दिन रात शिफ्ट्स में अलग अलग रोटेशनल वर्क आज के हिसाब से यहाँ पर काम चलते ही रहता है। इनफैक्ट यहाँ पर ये पता चला है कि जो NATM मेथड यहाँ पर यूज की गई है, यानी जो न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड यहाँ पर यूज किया गया बनाने के लिए, उसमें जो ब्लास्टिंग होती है यानी जो पत्थर होता है वहां पर जो बोर करके यहाँ पर ब्लास्ट करके उसे तोड़कर टनल बनाई जाती है, वहां पर डेली तकरीबन 1 ब्लास्ट अचीव किया गया है इस टनल को बनाते समय, जो अपने आप में अमेजिंग है क्योंकि यहाँ पर जनरली जो ज्यादा प्रोजेक्ट्स होते हैं वहां पर आपको डेली ब्लास्टिंग लेवल के स्पीड पे काम होते हुए नजर नहीं आएगा। और ये जो है इस टनल को काफी ज्यादा यूनिक बनाते हैं इसके कंस्ट्रक्शन के हिसाब से, और ना सिर्फ इंडिया लेकिन ग्लोबल लेवल पे ये काफी ज्यादा एक टेक्निकली एडवांस्ड और काफी अच्छी तरीके से बन रहा प्रोजेक्ट है। करंट सिचुएशन में इस टनल के सरफेस फाइनलाइजेशन का काम हमें देखने को मिलता है, जैसे टनल सपोर्ट सिस्टम जिसमें स्टील रिब्स की मदद से कंक्रीट लाइनिंग की जाएगी, जिसके पूरा होने पर वेंटिलेशन और ड्रेनेज के काम हमें देखने को मिलेंगे और आखिर में ट्रैक लेइंग ओवरहेड केबलिंग किया जाएगा, जिसके पूरा होते ही ये टनल हाई स्पीड ट्रेनें चलाने के लिए तैयार रहेगा। ये सब काम जल्द से जल्द पूरा होने के लिए यहाँ पर शिफ्ट बेसिस पर दिन के 24 घंटे काम शुरू रहता है।
यहाँ पे जो लोग पूरे एंथुसियास्टिकली काम करते हैं उनका मानना है कि अगले 6 महीने में टनल का काम जो अंदर का है उसका वाटरप्रूफिंग का हो गया, उसकी लाइनिंग का हो गया, उसके प्रूफ का रूफिंग का हो गया, वो अगले 6 महीने में ये टनल रेडी हो जाएगा। इस टनल के उत्तर की ओर देखने पर हमें एक निरंतर रूप से वायाडक्ट के पियर वर्क का काम देखने को मिल सकता है। 320 के रफ्तार पर भागती हाई स्पीड शिंकानसेन ट्रेनों का रूट कम से कम कर्व्स और उतार चढ़ाव वाला होना जरूरी है, जिसके चलते इस पूरे कॉरिडोर का निर्माण वायाडक्ट्स और टनल के जरिए किया जा रहा है और इसी के कारण आम रेल लाइनों से कम जगह में इसके वायाडक्ट का निर्माण किया जा सकता है। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर भारत का पहला हाई स्पीड रेल रूट बनेगा। इस कॉरिडोर का निर्माण पूरे तरीके से मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत किया जाएगा। ये प्रोजेक्ट जागतिक स्तर पर भारत के भविष्य का एक बेहद ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट साबित होने जा रहा है। भारत देश पूरी दुनिया में 300 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड के ऊपर ट्रेन चलाने वाला 16वां देश बनेगा। तो अगर आपको ये वीडियो आपको पसंद आया हो और सबसे पहली बात कि अगर आपको समझ में आया हो या कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट में तो बता सकते हैं, और अगर ऐसे वीडियोस देखने हो तो बने रहे चैनल पे। मिलेंगे अगले किसी वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय महाराष्ट्र।